एक छोटे शहर से अपने ड्रीम्स फॉलो करने के लिए एक लड़की बड़े शहर में आती है। वहाँ पर वो लोगों की वजह से चेंज होने का ट्राई करती है, पर ये चेंज उसके लिए डेंजरस बन जाता है। आज की हमारी मूवी ये पॉइजन आईवी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसका नाम है लिली। मैंने पॉइजन आईवी का फर्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे ये दोनों मूवीज कनेक्टेड नहीं है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक पेंटिंग टीचर को उसके स्टूडेंट के साथ इंटीमेट होता देख सकते हैं। ये हमारा वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है डोनाल्ड। वो उसके साथ इंटीमेट होता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। इसके बाद हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है लिली, ये एक न्यू शहर में आई हुई हम देख सकते हैं। उसकी सिटी में उसे स्कोप नहीं था, तो इसी वजह से अब वो लॉस एंजलिस में आ चुकी है। अपने पेंटिंग क्लास में जब वो पहुंचती है तो वहाँ का टीचर डोनाल्ड है। डोनाल्ड लिली से कहता है कि तुम 2 वीक्स लेट हो। लिली कहती है एक फैमिली इमरजेंसी थी, इसी वजह से वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई। इसके बाद ये क्लास वो स्टार्ट करती है। इसी क्लास में हम देख सकते हैं कि हमारा और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रेडिन। क्लास के बाद लिली जब अपनी रहने की जगह ढूंढ रही थी तो ग्रेडिन उसे फिर से मिलता है। एक दूसरे से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जहाँ पर लिली रहने वाली है वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स रहते हैं, इसमें ग्रेडिन भी है। ग्रेडिन फिर लिली को उसके स्टफ के साथ हेल्प करता है, उसे सही से घर तक छोड़ देता है। घर में आने के बाद वो तानिया और ब्रिजेट से मिली। तानिया एक बहुत ही फ्रेंडली कैरेक्टर है। ब्रिजेट फर्स्ट टाइम मिलने के बाद ही लिली को उल्टा सुल्टा बोल देती है। लिली को ऐसा फील कराती है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करती। लिली थक चुकी थी तो आते हुए ही सो जाती है। रात में उसे कुछ आवाज़ आती है तो उसके हाउसमेट एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। सुबह होने पर लिली को उसकी मदर का कॉल आता है। मदर उसे थैंक्सगिविंग के लिए घर आने के लिए कहती है। लिली के लिए मदर ने उसके बैग में एक गिफ्ट रखा था। लिली जब ये ओपन करती है तो इसमें एक फ़ोटो एल्बम है। उसकी मदर कहती है कि तुम मुझे भूल ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ मेमोरीज देना चाहती थी। मदर लिली से कहती है कि तुम यहाँ भी पेंट कर सकती थी। उसे समझ में नहीं आता कि लिली यहाँ क्यों आई है। इसके बाद इस रूम में लिली अपना सब सामान रख रही थी, वहाँ उसे एक बॉक्स मिला। इस बॉक्स में एक लड़की की सब चीज़ें हैं, उसकी कुछ न्यूड फोटोज, उसकी डायरी और उसके कपड़े वगैरह। इसके बाद लिली अपनी खिड़की से नोटिस करती है कि ग्रेडिन किसी चीज़ पर काम कर रहा है। एक्चुअल में ग्रेडिन एक स्कल्पचर है। इसके बाद क्लास में हम देख सकते हैं कि सब लोग न्यूड पेंटिंग बना रहे थे। यहाँ पर डोनाल्ड लिली के पास आया, उसका हाथ पकड़कर ये ड्रॉ कैसे करना है ये उसे सिखा रहा था। उसे ड्राइंग के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा था। इसी क्लास में हम ग्रेडिन को भी देख सकते हैं। डोनाल्ड का लिली का हाथ पकड़ना ग्रेडिन को सही नहीं लगता। ग्रेडिन डोनाल्ड से कहता है कि इस पेंटिंग में कुछ भी यूनिक नहीं है, तुम सब कुछ चीज़ें कॉपी ही तो करना सिखा रहे हो, इसमें आर्टिस्टिक कुछ टैलेंट निकल कर नहीं आता। ग्रेडिन लिली का ड्राइंग लेता है और पूरे क्लास के सामने उसकी इंसल्ट करता है। लिली को इससे बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में ही वहाँ से वो चली गई। वो जब अपने रूम में थी तो ग्रेडिन उससे मिलने के लिए आया। उसने कहा कि तुम्हारे बारे में नहीं था, यानी कि वो लिली को पर्सनली हर्ट नहीं करना चाहता था। वो सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। लिली को अपने रूम में एक लड़की का सब सामान मिला था, इसमें जो डायरी थी ये लिली अब पढ़ने लग जाती है। जिसका सामान है उस लड़की का नाम आईवी है। फर्स्ट मूवी में हमारी जो आईवी कैरेक्टर थी शायद ये उसी का सामान है। इस डायरी में लिखा हुआ है, इस वर्ल्ड को मैं मेरी उंगलियों पर न जाना चाहती हूँ, बिना किसी फियर के, बिना किसी शेम के रहना चाहती हूँ। जो कॉन्फिडेंस इस नोटबुक में लिखा हुआ है, ये कॉन्फिडेंस लिली अपनी लाइफ में चाहती है। वो अपनी बॉडी देखकर वंडर करती है कि वो भी डिजायरेबल बन सकती है। इसके बाद लिली के डोर के नीचे से एक नोट आती है। इसमें लिखा हुआ है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो फूलिश बन जाता हूँ। तुम्हारे बिना इस दुनिया में फूल नहीं है, गार्डन में कुछ भी नहीं खिलता, मेरा हार्ट सिर्फ तुम्हें ही चाहता है। लिली समझ जाती है कि ग्रेडिन ने ही लिखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि लिली अपने फ्रेंड तानिया के साथ थी। वहां पर ग्रेडिन आया और उसे उसने मना लिया। उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूंगा। उसके बाद उसका जो ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है ये दिखाने के लिए वो लिली को लेकर आता है। लिली भी रियलाइज करती है और कहती है कि शायद मैं ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लिली को ग्रेडिन का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है।
ग्रेडिन लिली से पूछता है, तुम 2 वीक्स तक गायब थे, क्या हुआ था? वो कहती है कि मैं झूठ कहा था, कोई भी फैमिली इमरजेंसी नहीं थी, मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा। जब एक्चुअल में हो गया तो मैं डर गई थी, इसीलिए 2 वीक्स तक आने का मेरा करेज नहीं हुआ। ग्रेडिन पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? लिली कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी आँख बंद करूँ और जब खोलूँ तब पूरी तरीके से चेंज हो जाओ। ग्रेडिन कहता है, तुम जैसी हो वैसी ब्यूटीफुल हो। उसे किस कर लेता है। मेकआउट कर रहे थे पर लिली को जरा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ तो वहाँ से वो चली गई। रात में वो फिर से आईवी की डायरी पढ़ती है, इसमें उसने लिखा है कि वो इस मोमेंट में जीती है। लिली भी डिसाइड करती है कि अब वो चेंज होने वाली है, जाकर अपने बाल काट लेती है। जो आईवी का ड्रेस उसे मिला है ये वो ट्राई कर देखती है। अगले दिन जब ग्रेडिन फिर से लिली से मिलता है तो पूछता है कि आज शाम भी तुम फिर से मुझसे मिल सकती हो? लिली उससे कहती है कि शायद आ सकती हो। इसके बाद लिली अपनी यूनिवर्सिटी में सब कुछ आर्ट वगैरह देख रही थी। वहाँ पर उसका टीचर डोनाल्ड भी आ गया। वो लिली से पूछता है, तुमने अपने हेयर्स काट लिए, एक तो तुम्हारी लाइफ में कुछ ट्रेजिक हुआ या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है? ये बात ही कर रहे थे तभी डोनाल्ड की वाइफ वहाँ आ गए। एक्चुअल में डोनाल्ड को एक छोटी सी बेटी है तो उसका ख्याल रखने के लिए लिली को एज अ बेबी सीटर उसने हायर किया है। इसके बाद डोनाल्ड की बेटी के साथ लिली को हम खेलता हुआ देख सकते हैं। ये हाइड एंड सीख खेल रहे थे। डोनाल्ड की बेटी डोनाल्ड के ही बेडरूम में छुप गए। लिली जब उसे ढूंढने के लिए आई तो वहाँ पर एक केस देख सकती है। डोनाल्ड की बेटी का नाम डैफना है तो डैफना कहती है, मेरे फादर्स की पेंटिंग इसमें है, वो अब पेंट नहीं करते। मदर कहती है कि जब वो पेंट करते हैं तो वो पागल बन जाते हैं। डैफना की बातें लिली को अम्यूजिंग लगती है। जब डोनाल्ड अपनी वाइफ के साथ घर वापस आ गया तो लिली को कॉलेज तक वो लिफ्ट देता है। वो लिली से कहता है, अगर तुम अपना आर्ट मुझे दिखाना चाहती हो, उससे अच्छी तरीके से इम्प्रूव करना चाहती हो तो मुझे आकर मिल सकती हो। उसके कॉलेज में ही एक जगह है जहाँ पर क्लास के बाद उसे मिलने के लिए कहता है। लिली भी इस पर सोचने वाली है। घर आने के बाद लिली अब अपने आप को चेंज करने के लिए अलग से कपड़े पहनती है, एक न्यू मेकओवर करती है। इसके बाद वो डोनाल्ड से मिलने के लिए जाती है। वो उससे पूछती है, ये मेरा नया लुक तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी ब्यूटीफुल हूँ? ग्रेडिन कहता है कि ऑफकोर्स तुम हमेशा ब्यूटीफुल ही रहोगी। ग्रेडिन ने देखा था कि डोनाल्ड लिली को घर छोड़कर गया है तो पूछता है, क्या उसके लिए कुछ तुम काम कर रही थी? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ है? उसे लग रहा था कि ग्रेडिन और लिली के बीच में कुछ है तो लिली क्लियर करती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ उसकी बेबी सीटर हूँ, इसमें वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये ड्रिंक वगैरह करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। रात में लिली को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसका नया रूप उसके पुराने रूप कर छोड़कर जा रहा है, यानी कि अब उसकी फुली ट्रांजिशन एक कॉन्फिडेंट लड़की में हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट दिन लिली अपनी पेंटिंग्स डोनाल्ड को दिखाने के लिए जाती है। डोनाल्ड ये देखता है और उसे अच्छा लगता है और वो कहता है कि तुम अभी भी बहुत ही कॉशियस हो, एक स्टूडेंट की तरह, एक आर्टिस्ट की तरह ये तुम्हारी ड्राइंग्स नहीं है। लिली कहती है, तुम टीच कर रहे हो, हमारे वर्क को जज कर रहे हो, पर तुम खुद पेंटिंग नहीं बनाते। उसे बहुत ही हिपोक्रिट की तरह लगता है। डोनाल्ड कहता है, आर्टिस्ट बनने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक बहुत ही हार्ड जर्नी पर जाना पड़ता है। इसी जर्नी पर मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई और इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया है। वो एक्चुअल में पेंटिंग करने से डर रहा है। लिली कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे फियर्स कॉन्कर करने में हेल्प कर सकती हूँ। अब डोनाल्ड लिली को गाइड करेगा और लिली भी पेंटिंग में डोनाल्ड की हेल्प करेगी। अब ये दोनों एक दूसरे को पेंटिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करने वाले हैं। तुरंत डोनाल्ड एक कैनवास लेता है और लिली की पेंटिंग बनाने लग जाता है। यह उसे न्यूड होने के लिए कह रहा था, कहता है कि आर्टिस्ट बनने का ये भी एक पार्ट है। लिली भी इसके लिए मान जाती है और उसकी ब्यूटीफुल पेंटिंग निकालता है। इसके बाद लिली हमेशा डोनाल्ड के पास जाती रहती थी। ग्रेडिन को इनसिक्योर फील हुआ तो ये बात वो लिली से कहता है। लिली कहती है, तुम वरी मत करो, मैं सिर्फ वर्क में बिजी हूँ, हमारे बीच कुछ भी बदला नहीं है। एक दिन लिली अपनी अपनी ड्राइंग कर रही थी तभी उसकी एक फ्रेंड ब्रिजेट वहाँ आई। ब्रिजेट वही कैरेक्टर है जो लिली पसंद नहीं करती है। ब्रिजेट लिली से कहती है कि आज रात एक पार्टी है पर शायद तुम नहीं आओगे, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। लिली इस पर चिढ़ गई थी पर वो अपनी पेंटिंग पर फोकस करती है। इसके बाद ब्रिजेट डायरेक्टली ग्रेडिन के पास पहुँचती है, वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। लिली ये देखकर बहुत गुस्सा हो गए। वो फिर आज रात पार्टी में जाने वाली है। उसने पूरी तरीके से अपना मेकओवर किया, वो स्मोक भी कर रही थी
तो ये सब तानिया नोटिस करती है। कहती है कि तुम अपने साथ कर क्या रही हो, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। लिली उसकी इंसल्ट कर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लिली फिर पार्टी में आई, वहाँ एक आदमी ने मास्क पहना हुआ था। लिली को लगा कि ग्रेडिन ही है। उसने फिर उसे किस किया, फिर रियलाइज किया ये ग्रेडिन नहीं है। उसके बाद ग्रेडिन उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे आसपास कोई भी सेफ नहीं है, उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ये जब साथ थे तो डोनाल्ड इन्हें नोटिस करता है। जब सुबह होती है तो ग्रेडिन लिली से पूछता है थैंक्स गिविंग पर क्या तुम घर जाने वाली हो, इनके फ्रेंड सब बाहर जाने वाले हैं। लिली कहती है कि मेरे कोई भी प्लान्स नहीं है। लिली क्लास के लिए लेट हो चुकी थी तो जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। तभी ग्रेडिन ने आईवी की नोटबुक वहाँ देखी। ये नोटबुक पढ़कर उसे बहुत ही अजीब लगा। लिली अब उसे डिस्टेंट रहने लग चुकी है तो लिली से कहता है हम दोनों को बात करनी चाहिए। लिली इस बात को टाल देती है, कहती है मैं इस बारे में तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। ग्रेडिन को फिर गुस्सा आ गया और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोनाल्ड की वाइफ उसे उसके स्टूडियो में मिलने के लिए आती है। डोनाल्ड अब फिर से पेंट करने लग गया है तो बहुत ही वरीड है। एक्चुअल में लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ने पेंट किया था तब तो अपनी वाइफ पर वो चीट कर रहा था। डोनाल्ड हमेशा न्यूड पेंटिंग से बनाता है तो उसकी वाइफ वरीड है। डोनाल्ड कहता है इस बार वैसा कुछ भी नहीं होगा। वाइफ के जाने के बाद थोड़ी देर में वहाँ लिली आई। डोनाल्ड ने लिली को ग्रेडिन के साथ देखा था तो कहता है कि तुम कहाँ थे, तुम क्लास में भी नहीं थे और यहाँ भी लेट आई हो। लिली इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहती थी तो यहाँ से जा रही थी तो डोनाल्ड उसे रोक लेता है। उसे कहता है कि कहीं भी मत जाओ, तुम्हारी वजह से इतने सालों बाद मैं फिर से पेंटिंग करने लग गया हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वो उसे किस करने लग जाता है। लिली उसे रोकती है और पेंटिंग के लिए पोज करने के लिए बैठती है। यहाँ पर भी डोनाल्ड रुकता नहीं और उसके साथ इंटीमेट होने वाला था तभी डोर पर एक नॉक आए। लिली ने रियलाइज किया कि ये गलत है और वहाँ से वो चली गई। इसके बाद हम उसे ग्रेडिन के साथ देख सकते हैं। कहती है ये जो ट्रांजिशन है ये मेरे लिए हार्ड है, इसी वजह से तुम मुझे ज़रा टाइम दो, प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। ग्रेडिन भी उसे समझ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोनाल्ड की वाइफ ने लिली को एक रात डिनर के लिए इनवाइट किया था। लिली उसके साथ ग्रेडिन को भी लेकर आई। डोनाल्ड को इसके बारे में पता नहीं था तो सरप्राइज था। जब डोनाल्ड और लिली को अकेले में बात करने के लिए विंडो मिलता है तो डोनाल्ड कहता है कि तुम उसे क्यों लेकर आई। लिली कहती है क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसकी यह टोन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। डिनर टेबल पर भी हम इनके बीच में ऑकवर्डनेस देख सकते हैं। लिली डोनाल्ड की वाइफ से पूछती है कि आप दोनों कैसे मिले थे। डोनाल्ड की वाइफ कहती है मैं डोनाल्ड की क्लास में थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। यहाँ पता चलता है डोनाल्ड हर एक लड़की के साथ यही करता है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि एक लड़की के साथ इंटीमेट होकर उससे उसने ब्रेकअप कर लिया था। इस बारे में ग्रेडिन को पता था इसीलिए वो लिली को लेकर प्रोटेक्टिव था। जब इनका डिनर खत्म हो जाता है तो डोनाल्ड की बेटी सो गई थी। लिली डोनाल्ड के साथ उसे सुलाने के लिए उसके बेडरूम में जाते हैं। ये अकेले थे तो डोनाल्ड यही लिली के साथ इंटीमेट होना चाहता है। लिली उसे रेजिस्ट करती है, कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, पर वो मानता नहीं। कुछ आवाजें आ रही थी, ये सबको सुनाई दी और डोनाल्ड की बेटी उठ गई। उसने इन दोनों को देखा, उसे शॉक लगा। भागते भागते घर से बाहर निकल गए। डोनाल्ड की वाइफ और ग्रेडिन ये दोनों भी ये चीज़ देख लेते हैं। वाइफ बेटी के पीछे पीछे गई पर बेटी रोड तक पहुंच चुकी थी। एक गाड़ी से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो गया। बाय गॉड्स ग्रेस वो ज़्यादा हर्ट नहीं हुई। डोनाल्ड भी एक्सीडेंट के यहाँ पहुँचा तो ग्रेडिन उसे ज़ोर से पंच करता है। लिली इन सब चीज़ों से बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी। घर पर आकर सब चीज़ें वो फेंक देती है। वो आईवी की तरह बनना चाहती थी पर उसने रियलाइज किया है कि ये सब गलत है। जैसे वो नेचुरली पहले थी वैसे ही वो रहना चाहती है। रात में फिर ग्रेडिन लिली से मिलने के लिए आता है। कहता है जो भी तुम कर रही हो क्या तुम्हें इससे कोई भी फर्क पड़ता है। लिली उसे कुछ कहने वाली थी तभी डोनाल्ड वहाँ पहुँच गया और उसने ग्रेडिन पर हमला कर दिया। वो लिली से कहता है हम दोनों के बीच में जो भी है मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। वो लिली को हर्ट करने वाला था तभी ग्रेडिन और उसमें फाइट हो गए। ये दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। डोनाल्ड लिली को लेकर टेरेस तक आ चुका था, ये उसे हर्ट करने वाला था तभी उसका खुद का एक पैर फिसल गया। नीचे गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। हम अभी भी देखते हैं कि ग्रेडिन लिली पर नाराज है। लिली उसके पास आती है, उसे कहती है मेरे टाउन में मैं ज़रा अलग थी,
लोग मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब मैं यहाँ आई तभी भी मुझे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने आईवी की नोटबुक पढ़ी और उसके जैसी वो बनना चाहती थी। जब वो उसकी तरह बन गए तो लोग उसे एक्सेप्ट करने लग गए। ग्रेडिंग से कहती है कि अब वो मैं नहीं चाहती, वो सब गलत था। वो जैसी है वो अपने आप को अब एक्सेप्ट कर चुकी है। वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। वो जाते जाते कहती है कि तुम बिलीव करो या ना करो पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ग्रेडिन भी उसे समझ लेता है और उसे माफ़ कर देता है। इनके बीच में फिर से उनकी रिलेशनशिप सही हो चुकी है। इसी तरीके से ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।